कैसे हो आप सर? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसे ही सुबह होती है तो हम सोचते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए। तो डेली हम सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट ऐसा बनाया जाए जो हेल्दी भी हो और फटाफट बन जाए और इजीली डाइजेस्टेबल हो। तो आज आपको दिखाऊंगी हम बना के सूजी का उपमा, जो कि बहुत ही ईजी बनने में है। और इसके लिए मैंने ली है ये रोस्टेड सूजी ली है। तो सूजी रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलिए सूजी का उपमा बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए वो मैं दिखाती हूँ, चलिए। तो फ्रेंड्स, टेस्टी उपमा के लिए हम ले लेंगे ये पीनट्स और उड़दुली दाल और चने की दाल, जिसे कि 10 मिनट के लिए मैंने सोक करके रखा हुआ था। और ये ले लेंगे 2 अनियन और ये करी पत्ता जो फ्रेश वाला लिया है। इधर सूजी ले लेंगे रोस्टेड, अगर आपके पास दूसरी है तो वो भी ले सकते हैं। और ये सूखी लाल मिर्च, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते हैं, ये उपमा में और चिवड़ा में डालने के लिए आती हैं, तो इसका फ्लेवर चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं ये। तो सबसे पहले हम अनियन काट लेते हैं और बारीक बारीक अनियन काटने हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे मैंने अनियन काट लिए हैं। और इधर ले लेंगे रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल आपको जो भी चॉइस हो वही लेना, बस सरसों का तेल नहीं लेना है। तो इसमें सरसों के तेल में नहीं बनता है। तो मैं कढ़ाई में डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। और ऑयल को अच्छी तरह से हमने गर्म कर लेना है। और सबसे पहले हम इसमें पीनट्स जो हैं वो फ्राई करेंगे। आप पीनट्स की जगह कैशू नट भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मोस्टली जो है इसमें पीनट्स ही डाले जाते हैं। तो इनको 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा लाल नहीं करने हैं, जस्ट इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए लाइट कलर में ही फ्राई हुए हमारी पीनट्स। तो इसको किसी कंटेनर में हम निकाल लेंगे। तो ये फ्राई करने टाइम हर काम जो है बड़ी केयरफुली करना है, क्योंकि ऑयल जो है छिटकता तो है ही है। तो ये देखिए अभी हमने जो दाल जो सो करके रखी हुई थी इसको डालेंगे। और इसमें क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर है तो इसलिए ये जो है ऑयल जो है बाहर निकल रहा है इसका, तो इसलिए इसको डालने टाइम भी बड़े ध्यान से डालना है। और उड़दुली दाल और चने की दाल दोनों को डालेंगे और इसको फ्राई तब तक करना है जब तक इसका जो अंदर मॉइस्चर है वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, बस जस्ट फ्राई करना है। तो ये देखिए, तो ये जब हमारी फ्राई हो जाती है तो जो ऑयल है पूरा क्लियर हो जाता है। बस 2 मिनट में ये दाल जो है हमारी फ्राई हो जाती है। तो ये देखिए दाल हमारी फ्राई हो चुकी है, ऑयल आपको पूरा क्लियर दिखने लग गया है। तो अब इसमें डालेंगे हम जी जो ब्लैक सरसों ली थी वो डालेंगे। वो मैंने 1/2 चम्मच ली है। तो सारा जो मेज़रमेंट है, इंग्रेडिएंट है, सारा जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसको ज़रूर प्लीज़ चेकआउट करना, ताकि आपका उपमा भी इतना ही परफेक्ट बने। तो ये डाल देंगे हम करी पत्ता, इसको भी छोटा छोटा हम काट देंगे हाथ से ही, ऐसे मैंने 2 पीसेस में कर दिया है। तो जो फ्रेश करी पत्ता उसका फ्लेवर जो है ज़्यादा अच्छा आता है, वो तो आपको पता ही है। तो इधर डाल देंगे ये 2 सूखी लाल मिर्च, और इसको भी 2 पीसेस में काट दिया है मैंने। और ये इतनी तेज़ नहीं होती हैं, और अगर आपने थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इसमें 2-3 हरी मिर्च भी डाल देना, लेकिन मैं ज़्यादा तीखा प्रेफर नहीं करती हूँ। तो ये अनियन मैंने जो 2 काटे थे छोटे छोटे, उसको फ्राई कर लेते। और अनियन जो है उतने ही फ्राई करने हैं, जस्ट ट्रांसलूसेंट, इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो मैंने एक रेसिपी वेजिटेबल्स उपमा की भी डाली हुई है, तो उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में दूंगी, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट करना। तो ये हमने जो 2 कप सूजी का डालेंगे जो पहले से रोस्टेड है, और अगर आप दूसरी सूजी ले रहे हो तो उसको आप पहले रोस्ट कर लेना है 10-15 मिनट में, सिम पे रख के इसको रोस्ट करना है, जस्ट कलर चेंज करना है हल्का सा पिंक। तो इस बार मुझे मार्केट से ये रोस्टेड मिल गई थी, तो इसलिए मैंने ये लेना प्रेफर किया। तो ये सूजी को भी हमने अनियन के साथ ही फ्राई कर लेना है, और मेरी जो फ्लेम है वो थोड़ा सा सिम पे ही रखनी है, क्योंकि इसको जलाना नहीं है और कलर भी ऐसे चेंज नहीं होने देना है, क्योंकि लाइट कलर में ही उपमा जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारा अच्छी तरह से ऑयल से कोट हो गया है। और अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून घी के, क्योंकि घी से जो उपमे का फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब घी से भी हम इसको अच्छी तरह से कोट कर देंगे। ये देखिए, तो इसमें मैंने हल्दी नहीं डालनी है, क्योंकि कलर जो है इसका जो नेचुरल है वही अच्छा लगता है।
तो जी अब डाल देंगे सिर्फ नमक डालना है, कोई गरम मसाला कुछ और नहीं डालना है। तो जी उपमा बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। तो नमक जो है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि मैं थोड़ा कम नमक डाल खाती हूँ तो इसलिए कम डाला है मैंने नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, मतलब 1 टीस्पून तो जाएगा ही नमक। तो हमने 2 कप सूजी ली है तो इसमें 4 कप पानी जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें ये बहुत पतला नहीं चाहिए। तो ये मेज़रमेंट से हमने 4 कप पानी डाला है। तो कोई भी आप चीज़ बनाइए मेज़रमेंट का ज़रूर ध्यान रखिए, नहीं तो आपका जो रेसिपी है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तो ये हमने 4 कप देखिए आपके सामने मैंने पानी के डाले हैं, थोड़ा भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। तो अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और इसको बॉयल आने देंगे और उसके बाद जो है हम इसको कवर कर देंगे एक ढक्कन के साथ। तो हमारा 2 से 3 मिनट में जो सूजी है वो थिक हो जाती है। और आप ये रेसिपी जो है अपने ज़रूर अपने घर में ट्राई करना, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये तुझे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना और एक प्लेट से इसको ढक कवर कर देना है और इसको एकदम थिक होने तक हमने इसको बॉईल करना है। तो ये उपमा में टोटल बनने में 10 से 12 मिनट लगते हैं। तो आपका 10-12 मिनट में आपको टेस्टी नाश्ता मिल गया, और क्या चाहिए भाई, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ज़रूर अपने घर में ये ट्राई करना, आपको भी बहुत पसंद आएगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये अनियन वाला तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए पूरा थिक हो चुका है और कढ़ाई से अलग होना शुरू हो गया है। और अगर हमने जो घी डाला है उससे थोड़ी शाइनिंग भी आ जाती है, तो उससे फ्लेवर भी बढ़ जाता है। तो घी ज़रूर डालिए आप। तो ये देखिए हमारा उपमा अच्छे से बन गया है और एकदम इकट्ठा होना शुरू हो गया है। और अब जो है हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा हमारा उपमा। तो उपमा बन चुका है, तो अभी हम इसको सर्व करते हैं, दिखाती हूँ आपको कैसे करना है सर्व। तो एक ये कोई आपके पास कटोरी है तो आप वो ले सकते हैं, मेरे पास ये सर्व करने वाली चीज़ है। तो इसमें जो इसमें डाल के हम शेप दे देते हैं, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कटोरी में भी डाल के उसको बस अपसाइड डाउन करना है, तो आपका उपमा एज इट इज़ ही सर्व होगा जैसे मैं आप कर रही हूँ सर्व। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से हमने प्रेस करके और निकाल लेना है इसको। और ये गर्म है तो इसलिए मैंने कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है अभी उपमा। तो ये देखिए माय गॉड कितना ज़्यादा कलर अच्छा लग रहा है और कितना टेस्टी लगा है, ये तो खा के ही आप बता सकते हो। तो ये देखिए उपमा को सर्व करने के लिए आप कोई भी चटनी से सर्व कर सकते हो। और ये पीनट्स जो हैं, कई लोगों को पीनट्स से थोड़ी सी एलर्जी होती है तो वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने अलग से रखे हैं, क्योंकि मैं खुद पीनट्स नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैंने पीनट्स अलग से डाले हैं इसमें। तो ये आप टमाटर की चटनी, इमली की चटनी, या फिर हरी चटनी, नारियल की कोई भी चटनी से आप सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है ये उपमा। तो ज़रूर अपने घर में ट्राई करना और मेरी कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपने बनाया तो कैसा लगा आपको ये उपमा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई करना। और ये अब देखिए इसको काट के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है उपमा ये देखिए। तो आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियाँ डालिए, उपमा बनाइए, और मेरा जो वेजिटेबल उपमा है उसको भी ज़रूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। घर में रहिए और घर का बना हुआ अच्छा अच्छा खाना खाइए, और हमें भी पूरा अपना सपोर्ट दीजिए, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आएगी तो एक लाइक भी दे देना और बेल ज़रूर बजाना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हम एक नई और रेसिपी के साथ, हेल्दी रेसिपी के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।